हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो हम सुबह सुबह आ गए हैं वॉक के लिए। तो देखिए, हमारे बच्चे कर रहे हैं वर्जिश। ये है लेग की वर्जिश। और मैंने भी थोड़ी बहुत वर्जिश करी है। और ये रहा गौरव, हाँ। और अभी एक दो और करेंगे। चलो, कौन सी करवाओगे आप? तो गाइस देखिए, हम वर्जिश वगैरह योगा वगैरह करके आ चुके हैं और हमारे पसीने देखिए कितने आ रहे हैं। ओहो, ये देखिए डॉगी हमारी बेटे गिर गया। दवाई भी तो नहीं लगवाता ये। तो देखिए गली में है सुन सपाटा। देखिए इसकी आंख कैसे चमक रही है कुत्ते की। जबरू। और ये है हमारे मैनेजर जी, मैंने देख ली। ये देखिए, ये है हमारे छोटे जेठ का घर और हमारे बड़े जेठ का घर। और ये है गोल्डन घर का घर। और ये है हमारे चाचा आजाद का घर, चिन्नू घर का घर। तो देखिए गाइस, आज सुबह गौरव जिम में गया तो गेट खुला छूट गया था ये। और यहाँ से बढ़ गया था एक नंदी। और नंदी ने देखिए हमारी कचरी सारी ख़राब कर दी हैं। और अब ये कूड़े में डालने लायक हो गई हैं, सारी जुट्टी कर दी है। देखो, तो ऐसे काम करता है ये लड़का। गेट भी बंद नहीं करके गया। और वैसे भी ये थोड़ी थोड़ी ख़राब ही हो रही थी। चलो देखिए, ये है वो नंदी, ये जा रहा। तो भाई देव हो चुका है स्कूल के लिए रेडी जाने के लिए। झाड़ ले बेटा पहले इन्हें। और हमारा आम का पेड़ फूट सही फूट कर रहा है भाई। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। हाँ, नहान की हवा होती है, शीतलहर। शीतलहर बोलते इसको। अरे देखिए, अमरूद के छोटे छोटे बीज जम गए हैं और पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। किस चीज का? धुआन का भूल गए करना था ना। आज ना एक बैल बढ़ गया अंदर नंदी, और देख सारी कचरी खंडा गया और खा गया। खराब हो रही थी। हाँ, शुक्र है मेरे पेड़ नहीं खाए। तेरे पापा बोला पेड़ तो रह गए। चलो, यहाँ बढ़ रहा था अंदर, गेट खुला छोड़ के जा रहा था वो गौरव। बाइक निकाली जब खुले ही पड़े थे, मैं खाना बना रही थी। देख, अच्छा पीछे के टायर आगे करवाए, आगे के पीछे है। एक से नहीं है, फर्क है। करवा रखे है, वो तो घिस रहे हैं थोड़े, है ना। अब सही चला गाड़ी है। तो देखिएगा, इस कल गाड़ी की इन्होंने करवाई थी सर्विस, और आगे के टायर पीछे लगवाए थे और पीछे के आगे, क्योंकि आगे के टायर घिस चुके थे। फिर तेरे बाय बाय। तो ये देखिए, हमारा बंदरू आ गया है लस्सी लेने के लिए। लस्सी दे बेटा। हाँ। चलो तो देऊंगी। एप्पल कैसा लग रहा है? अंडी खा लो तो। लाओ डोली मेरे को दे दो, मैं लस्सी डाल देती हूँ आपकी। माँ, हाँ माँ, दो, हाँ? दो? माँ। हाँ। बुझा दे।
घंटी और बजा दी। नृसिंह महाराणी नमो नमो देवी कल्याणी नमो नमो नृसिंह महाराणी नमो। थोड़ा सा तेरे पीछे है ना गमला, उसमें भी दे पीछे देखे रहा हूँ। तुलसी महारानी नमो नमो देवी कल्याणी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो देवी कल्याणी नमो नमो। जय हो तुलसी मैया की। गाइस आंधी का मौसम हो गया और थोड़ी थोड़ी आंधी आ भी रही है। ये देखिए और घटासी भी हो रही है आज, तो धूप भी नहीं निकल रही आज। धूल उड़ रही है थोड़ी थोड़ी। तो देखिए गाइज, आज बच्चों ने बोला कि मम्मी कुछ नया और स्पेशल बना लो, तो हमने बना लिया ब्लूबेरी शेक। ये है ब्लूबेरी शेक। ब्लैकबेरी है यो। तो देखिए गाइज, हमारा बेटा उन्नू भी पी रहा है ब्लैकबेरी ब्लूबेरी शेक। हम इसका नाम भूल जाते हैं बार बार, ब्लैक और ब्लू एक सी लगती है। ये है ब्लूबेरी शेक। तो आ जाइए गाइज, आप भी पी लीजिए ब्लूबेरी शेक। और आज हम एक और नई डिश बनाएंगे गाइस, उसका नाम है, एक फ्रूट है उसका नाम है एवोकांडा। क्या बोलते हैं गौरव से, हैं जो फ्रूट है वो, उसका नाम क्या है? ब्लूबेरी नहीं, वो एवोकांडा। एवोकांडा नहीं, एवोकाडो। एवोकाडो ये बताएगा, मुझे बोलना नहीं आ रहा। क्या नाम है उस फ्रूट का? एवोकाडो। एवोकाडो फ्रूट है जो हम लाए थे आजादपुर मंडी से। वो हमने खाकर देखा तो उसका टेस्ट था कुछ मक्खन जैसा, ना तो मीठा था ना खट्टा था, वो कैसा भी नहीं था। था क्या है आपको दिखाते हैं, देखो मेरा ये ऐसा है देखने में। और इसका बीज भी दिखाएंगे गाइस, बीज बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, गोल जैसा गोल गोल। और इसका हम बनाएंगे आज सैंडविच, ब्रेड सैंडविच बनाएंगे आज इसका एवोकांडा का। तो देखिए गाइस, हम लेके आए थे चार और ये दो ही बचे हुए हैं, दो हमने काट लिए थे ये देखो। तो चलिए सैंडविच भी बनाकर दिखाएंगे हम अभी आपको। तो ये देखिए गाइज, हमारे सैंडविचेस बनकर तैयार हो गए हैं एवोकांडा के। भाई मन तो नाम लेना नाश्ता, एवोकाडो के बना दिए, एवोकाडो के सैंडविच, एवोकाडो के बना। यस, कैसे बने देख लियो इसमें रेसिपी, खा के बताइए कैसे बने। तो गाइज, हम ऐसी नई नई चीज़ें बना देते हैं। और गाइज, दुनिया में पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे फ्रूट हैं जो हमने देखे भी नहीं, जो हमें पता भी नहीं। हम एवोकांडा ले तो आए, खाने में वो स्वाद नहीं था। एवोकांडो तो वो खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। हमने सोचा इसका क्या बनेगा, फेंक देते हैं। फिर हमने सर्च मारा तो देखा कि इसका तो सैंडविच बनता है, तो हमने बना दिया है इसका सैंडविच। कैसा लग रहा है गुरु, टेस्ट कैसा है? ठीक ठीक ठीक, इतना स्वाद नहीं है, तेरा पेट भर चुका है बच्चे। हाँ, भूखा मर। गाइस देखिए, जो एवोकांडा के फ्रूट थे उनका हमने काट लिया, और ये उनका बीज देखो, बिल्कुल बोल की तरह है, एकदम गोल। और उसका जो अंदर से गुद्दा निकला था उसको हमने मैश कर लिया है टमाटर प्याज और खीरे, खीरे के अंदर, और थोड़े से डाले हमने इसमें मसाले। जो इसकी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो हमारी शॉर्ट वीडियो पे जरूर देखना। और ये दो हमने भर कर रख लिया इनके, इनका फिलिंग, और हम लगा देंगे इनको घी लगा कर मशीन में। और गौरव को लग रही थी बहुत तेज भूख,
तो हमने बना दिया है चटपटा एवोकाडो का नया डिश सैंडविच। हमें तो इसका नाम भी नहीं लेना आ रहा, एवोकाडो एवोकाडो बेरा ना क्या बोलते हैं सुन। अब बंद कर देंगे हम मशीन को और थोड़ी देर चालू कर देंगे। तो देखिए गाइस, हम रात को लेने आए थे इसके पापा को ड्यूटी से, और देखिए बिजली चमक रही है तैड़ 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 तैड़। ये बारिश होने के आसार हैं। आज सुबह भी बारिश हुई थी पर थोड़ी हुई थी, पर ठंड बहुत ज्यादा कर दी और हवा बहुत ठंडी चल रही है। देखिए रात का नजारा, देखो लाइट की कहाँ थे, लाइट लगता हूँ लाइट का। देखो कितना सुंदर नजारा, ओए होए होए, ये देखिए बिजली, ये बिजली कड़कड़ा रही है भाई, भाग लो घर की खेड़ी की तरफ ज्यादा है ना, आएगी बारिश तो खूब तेज। हाँ ये समल का के आसपास है, ये दूर है। ये देखिए गाइस, हम आ चुके हैं घर और बैक करके गाड़ी चढ़ती है हमारे गेट से। नाड अंदर कर लियो, गाइज हमने बना लिया है खाना। खाने में बनाई है घिया की सब्जी और हमने लगा दिया है अपने लड्डू को। तो देखिए लगा देती हूँ, देखिए ये लोग ये दूध पी लेंगे हमारे लड्डू जी। हेलो गाइज, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइज ओके, बाय, गुड नाइट, सी यू शुभरात्रि।